हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे एफटीटी के बारे में। तो अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो एफटीटी कॉइन के प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिला, जो कि अभी इस टाइम पे लूना की तरह हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या अभी इस टाइम पे एफटीटी कॉइन नेक्स्ट लूना हो सकता है या नहीं, तो उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और बाकी अगर आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के अंदर जो नेक्स्ट मूव है वो कौन से लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, यह सब चीज़ अगर पूरा डिटेल्स में जानना है तो फिर वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देख सकते हो। बाकी अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो, आई होप सो कि आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया। अगर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब इस टाइम पर अगर आप देखोगे तो बिटकॉइन का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 18,300 के आसपास, यहाँ पर हमें बिटकॉइन का प्राइस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कल रात को जो बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें लोएस्ट जो प्राइस देखने को मिला था 17,100 के आसपास जो है बिटकॉइन के प्राइस हमें देखने को मिला था, जो कि समवेयर अराउंड यहाँ पर 17,185 के आसपास, और यहाँ पर 17,180 के आसपास जो जोन है यहाँ पर हमें बिटकॉइन के प्राइस के लिए एक मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा था। तो यहाँ से प्राइस के अंदर हमें एक अच्छा सा पुल बैक भी देखने को मिला, और अभी इस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है 18,300 के आसपास, ठीक है। तो क्या यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा या फिर यहाँ से हमें प्राइस के अंदर एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा? तो मेरे हिसाब से राइट नाउ मार्केट के अंदर हमें और भी थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि सबसे पहले तो 18,700 के आसपास जो जोन है यहाँ से हमें बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसी जोन के आसपास अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस हमें यहाँ पर इसी जोन के आसपास देखने को मिला, और कैंडल यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी इसी जोन के आसपास जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिला, उसके बाद फिर से प्राइस थोड़ा नीचे आया, फिर से हमें प्राइस के अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, एंड आफ्टर दैट हमें फिर से प्राइस के अंदर थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ बिटकॉइन के प्राइस को अगर ऊपर जाना है तो बिटकॉइन के लिए सबसे पहले इसी जोन को ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि होगा 18,700 के आसपास। और इस जोन को अगर बीटीसी इजिली ब्रेक कर लेता है वेल एंड गुड, यहाँ से हमें प्राइस के अंदर और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि हमें प्राइस जो है 19,500 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर आउट करके देना चाहूंगा कि अभी इस टाइम पे जहां पर भी आपको प्राइस देखने को मिल रहा है तो आप में से किसी ने भी कोई भी यहाँ पर बिटकॉइन का जो बॉटम है उसको पकड़ नहीं सकता है। और अभी इस टाइम पे देखोगे तो बिटकॉइन ने यहाँ पर जो अपना न्यू बॉटम है उसको भी यहाँ पर फाइनली क्रिएट भी कर दिया है। तो प्राइस यहाँ से मेरे हिसाब से बिटकॉइन के प्राइस के अंदर हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लाइक प्राइस अभी इस टाइम पे कुछ इस तरीके से जो है मूवमेंट करके थोड़ा नीचे आ सकता है, उसके बाद हमें प्राइस इस जोन को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एज ए सपोर्ट हमें बिटकॉइन के प्राइस अगर एक बार देखने को मिल जाए तो हमें इजीली प्राइस 19,000 एंड लेटर ऑन हमें प्राइस जो है 20,000 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो अभी इस टाइम पे जो भी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मूवमेंट है, इस मूवमेंट को लेकर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्जैक्टली प्राइस बहुत नीचे आ गया है, प्राइस और भी नीचे जा सकता है, क्योंकि हमने प्रीवियसली उससे भी नीचे जो है हमने ट्रेड भी किया है। तो इसके कारण मैं आपको यही बोलूंगा कि प्राइस आपको नीचे देखने को मिल रहा है, इट डजेंट मीन कि प्राइस नीचे रहेगा, यहाँ से आपको बहुत जल्द प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ रही होगी कि बिटकॉइन के प्राइस के अंदर एक्जैक्टली क्या हो सकता है। बाकी मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस टाइम पे मैं जो भी प्रेडिक्शन करूंगा सब कुछ गलत गलत हो सकता है। और यहां से और भी एक चीज हो सकता है, यहां से ग्रीन कैंडल बना के प्राइस हमें जो है यहां पर एक ही कैंडल के ऊपर एक अच्छा सा ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। तो इसके कारण यहां पर प्रेडिक्शन उतना काम नहीं करेगा। जस्ट आपके लिए यहां पर आपके रेफरेंस के लिए सबसे पहले आपको 18,740 के आसपास जो जोन है इसी जोन को आपको देखनी है, और यहां से अगर बीटीसी यहां पर इसी जोन के अब अपना सपोर्ट बना लेता है तो यहां से हमें 19,500 के आसपास बिटकॉइन के प्राइस इजीली देखने को मिल सकता है। होप्स हो कि आपको यहाँ पर बिटकॉइन के प्राइस के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बिटकॉइन के प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए पर हम डिटेल्स में डिस्कस कर लेते हैं एफटीटी कॉइन के बारे में। तो यहाँ पर एफटीटी कॉइन के प्राइस के अंदर हमें डाउनफॉल देखने को मिला, तो उसके कारण क्या हुआ कि बाकी वॉल्ट्स के प्राइस के अंदर हमें क्यों डाउनफॉल देखने को मिला, और मार्केट के अंदर अभी इस टाइम पे जो भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है बिटकॉइन हो इथेरियम हो किसी भी कॉइन के अंदर जो भी हमें डाउनफॉल देखने को मिला है जस्ट फॉर द फेयर ऑफ एफटीटी। तो एफटीटी के अंदर जब भी डाउनफॉल हुआ है उसके बाद से जो हमें बाकी वॉल्ट्स कॉइन के अंदर डाउनफॉल देखने को मिला है। तो यहाँ पर ये लॉजिक पहले समझ लेते हैं कि एक्जैक्टली एफटीटी के अंदर क्रैश हुआ तो बाकी कॉइन्स क्यों क्रैश हुए। सबसे पहले तो एफटीटी का जो फाउंडर है उनके पास और भी क्रिप्टोज होल्डिंग में थे, जैसे कि सोलाना और भी ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज वो होल्ड कर रहे थे। लेकिन जब एफटीटी यहाँ पर गिरना स्टार्ट हुआ तब उन्होंने क्या किया, अपना जो भी यहाँ पर होल्डिंग था जैसे कि सोलाना हो या फिर किसी भी कॉइन के अंदर उन्होंने होल्ड किया था, तो उन कॉइन्स को वो सेल करना स्टार्ट उन्होंने कर दिया था जस्ट बिकॉज वो अपना जो भी यहाँ पर कॉइन है उसको सेव कर पाए, ठीक है। बट एट लास्ट जो है वो उस चीज़ को नहीं कर पाए, और उसके बाद जो हमें मार्केट के अंदर एक अच्छा सा मैनिपुलेशन देखने को मिला, और उसके बाद जो हमें बिटकॉइन इथेरियम एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर एक अच्छा सा डाउनफॉल भी देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम के लिए फॉर नाउ आप में से बहुत सारे लोग अभी इस टाइम पे ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जो है गेमलिंग की तरह एक ट्रेड मार सकते हैं या नहीं। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पर काइंड ऑफ लूना के जैसे ऑलरेडी हो चुका है एफटीटी कॉइन, ठीक है। तो यहाँ से हो सकता है कि प्राइस हमें और भी नीचे देखने को मिले, बट यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रूर से देख लो, अगर इस
कॉइन के प्राइस के अंदर पोटेंशियल होता, ये पॉइंट इस कॉइन को अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ से बाकी जितने भी कॉइन्स हैं, मैं आपको चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, जितने भी कॉइन्स हैं सब कॉइन्स को आप जाके देख लो, जितने भी कॉइन्स ने बॉटम बनाया है उसके बाद जो है एक वीक के साथ आपको 10-20% तक का मूवमेंट देखने को मिला। बट यहाँ पर अगर आप FTD के केस में देखोगे तो यहाँ पर हमें इतना स्मॉल वीक देखने को मिल रहा है और उसके बाद जो है हमें प्राइस के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से ये इंडिकेशन मिलती है कि प्राइस जो है यहाँ से हमें और भी नीचे आ सकती है। और बायर्स की अगर आप बात करोगे तो प्राइस ने ऑलरेडी इतना लो लगाया और एक वेल रिनोन एक्सचेंज का कॉइन है, उसके बाद भी हमें प्राइस के अंदर बाइंग में कोई भी प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा। अगर बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा होता तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा वीक देखने को मिल जाता, जो कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बिटकॉइन के प्राइस के अंदर मैंने दिखा दिया है। तो अब इस टाइम पे मैं इथेरियम के प्राइस के अंदर भी दिखाऊंगा कि एग्जैक्टली जिस कॉइन के अंदर डिमांड होती है, जिस कॉइन के अंदर बाइंग प्रेशर ज़्यादा रहती है, उस कॉइन के अंदर आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग वीक्स भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब सेलर्स मार्केट को पुल कर रहे थे नीचे की तरफ तब बायर्स भी यहाँ पर आ गए और बायर्स जो है अपना एग्रेसिवली बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, जिसके कारण जो है सेलर्स मार्केट को और नीचे नहीं ले पाए। ठीक है, तो सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ अगर आप यहाँ पर FTD के साथ कंपैरिजन करोगे तो FTD के अंदर हमें बाइंग का प्रेशर अभी इस टाइम पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे कहोगे तो मैं पर्सनली FTD के अंदर अपने पैसे नहीं लगाऊंगा, जस्ट बिकॉज मुझे अभी इस टाइम पे यहाँ पर दिख रहा है कि ये कॉइन नीचे जा रहा है और यहाँ से जो है फर्दर और भी नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर बेवजह इसके अंदर इन्वेस्ट करके अपने पैसे वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनती है। बाकी अगर प्राइस ऊपर जाता है तो नो डाउट मैं यहाँ पर अपना एंट्री बना सकता हूँ। अगर मैं एंट्री बनाऊंगा भी FTD के अंदर, मैं ज़रूर से आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट हो सकता है। तो FTD के अंदर भी मैं आपको कोई भी TA बेस्ड कुछ भी नहीं बताऊंगा, जस्ट बिकॉज यहाँ पर कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर प्राइस को ऊपर जाना था तो प्राइस यहाँ से एक अच्छा सा वीक बना के ऊपर भी जा सकता था, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ से मैं प्रीवियसली कुछ भी नहीं पकड़ रहा हूँ, सिर्फ कल के दिन की मैं पकड़ रहा हूँ। एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 85% के आसपास जो हमें डाउनफॉल देखने को मिला है, 85% डाउनफॉल हुआ है, उसके बावजूद भी हमें प्राइस के अंदर उतना मूवमेंट अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि यहाँ से हमें और भी डाउनफॉल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रिक्वेस्ट मैं आपसे यही करूँगा कि अगर आप FTT कॉइन के अंदर अपना फ्यूचर के अंदर ट्रेड कर रहे हो तो लिवरेज जितना कम हो सके उतना रख के आप अपना ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिट होने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। अगर आप में से किसी के पास FTD कॉइन होल्डिंग में है बहुत बड़ी अमाउंट में, अगर आपने ऑलरेडी एंट्री लेकर रखा हुआ है, तो मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे आपको, अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है ना, तो अभी इस टाइम पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो। बाकी मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग लॉस में ही होंगे जितने भी लोगों ने अपना एंट्री लिया है, तो थोड़ा वेट करके देखो कि एग्जैक्टली क्या होता है, नेक्स्ट जो भी मूव होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसाइड करके भी यहाँ से निकल सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम बात कर लेते हैं इथेरियम के बारे में। तो इथेरियम के अगर प्राइस को देखोगे, जैसे कि कैंडल की वीक की बात कर रहा था मैं, तो सबसे पहले तो वीक को मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा वीक जो है इथेरियम के प्राइस के अंदर देखने को मिला, जस्ट बिकॉज यहाँ पर बाइंग प्रेशर है, लोग यहाँ पर बाई करने के लिए तैयार है इथेरियम को। और इथेरियम के प्राइस अगर आप देखोगे तो हमें प्राइस देखने को मिला समवेयर अराउंड 1233 के आसपास, व्हिच इज एज लो एज हमने प्रीवियसली यहाँ पर इसी जोन के आसपास भी हमने प्राइस को पहले दिखा था। ठीक है, तो अब इस टाइम पे लिए फॉर नाउ इथेरियम के प्राइस के अंदर भी हमें थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इथेरियम को लेकर मैं आपको यही बोलूंगा कि इथेरियम के प्राइस मेरे हिसाब से ऊपर जा सकता है, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि इथेरियम के प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। और जितने भी यहाँ पर मेजर ऑल्ट कॉइन है जिनको लेकर कोई भी कंट्रोवर्सी मार्केट के अंदर नहीं है, हर एक कॉइन के अंदर आपको मूवमेंट अच्छा सा देखने को मिलेगा। बट राइट नाउ इथेरियम के लिए अगर आप देखोगे तो इथेरियम के लिए मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि इथेरियम अगर नेक्स्ट यहाँ से मूव करेगा तो एक ही कैंडल के साथ ही आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा, लाइक यहाँ पर एक ही ऐसा ग्रीन बना के प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, या फिर हमें जो है प्राइस के अंदर यहाँ से थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम के लिए मुझे नहीं लगता है कि अभी इस टाइम पर यहाँ से ज़्यादा डाउनफॉल होगा, अगर मैक्सिमम यहाँ से हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो हमें जो है 1278 और उससे ज़्यादा वर्स्ट केस सिनेरियो में हमें प्राइस जो है 1235 के आसपास देखने को मिलेगा। अगर उससे नीचे भी जाता है तो यहाँ से फिर जो है बाकी मार्केट के अंदर, बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी हमें एक अच्छा सा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो इथेरियम की अगर आप बात करोगे तो इथेरियम के लिए नेक्स्ट जो मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंसेस हमें देखने को मिलेंगे 1355-56 के आसपास जो जोन होगा, इसी जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। एंड लेटर ऑन हमें यहाँ पर 1422 के आसपास एक अच्छा सा रेजिस्टेंस भी इथेरियम के प्राइस के लिए देखने को मिल जाएगा। तो फॉर नाउ इथेरियम मुझे ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ अभी यहाँ से थोड़ा ऊपर जा सकता है, लाइक इसी जोन तक आपको इजीली देखने को मिलेगा जो कि होगा 1361 के आसपास। ठीक है, होप सो कि आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।